चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा तो हमें बहुत हर्ष हो रहा है आज
इतने सारे भक्त एकत्रित हुए हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन में हैं, और हमको ऐसे समय में भी भगवान की सेवा करने का इतना अच्छा मौका मिला। हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने इन सब उपकरणों का आविष्कार किया, कैमरा का आविष्कार किया, माइक का आविष्कार किया, ताकि भगवान के गुणगान का हम प्रचार प्रसार कर सके। किसी भी वस्तु की उपयोगिता इस संसार में उस हद तक ही है जिस हद तक वो भगवान के गुणगान में सहायक होती है। जो भगवान के गुणगान में सहायक नहीं होती है उसे शास्त्र में असार कहा जाता है, असार हो गया है वो भौतिक। लेकिन जो भगवान के गुणगान में सहायक होता है वो आध्यात्मिक हो जाता है। तो आज जब पूरा देश एक वायरस से त्रस्त है, कोरोना नाम के वायरस से, तो ऐसे समय में भारत सरकार की ओर से एक बहुत ही अच्छा कदम लिया गया कि सबको बोला गया है घर पर बैठिए, घर पर बैठकर आप इस युद्ध को जीत सकते हैं। देखिए एक बहुत अच्छी चीज है सीखने के लिए। हमेशा जीवन का जो संघर्ष होता है, जीवन के प्रति जो लड़ाई होती है, हमेशा जैसा हम सोचते हैं वैसा करने से जरूरी नहीं है कि हमें सफलता मिलेगी। कई बार बिना लड़े भी किसी युद्ध में सफलता मिलती है। तो कहाँ कैसे शब्द बोलने चाहिए, कहाँ नहीं बोलने चाहिए, कई बार बिना बोले भी आप बहुत बड़े बड़े संदेश लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और कई बार घंटों घंटों बोलकर भी व्यक्ति समझा नहीं सकता सामने वाले को जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे समय में घर बैठकर भागवत कथा में गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने का एक अलग, क्योंकि देखिए ये हाथी था गजेंद्र, ये बहुत ही बलशाली था, बहुत ही बलशाली था, इतना बलशाली था कि जब वो जंगलों से गुजरता था, ऋतुमत पर्वत बताया जाता है, वहां से जब ये गुजरता था ये गजेंद्र, इतना शक्तिशाली इतना विशालकाय और ऐसा प्रकोप था उसके उस जंगल में कि बड़े बड़े शेर भालू चीते हिरण जानवर उसे देखकर भाग जाते थे, इतना भयानक विशालकाय हाथी। लेकिन पानी के अंदर जब एक मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ा तो इतना विशालकाय इतना शक्तिशाली होने के बावजूद उसके पास रोने के अलावा और कोई उपाय नहीं था, क्योंकि पानी के अंदर मगरमच्छ मजबूत होता है और भूमि पर हाथी मजबूत हो सकता है, लेकिन इस वक्त हाथी कहाँ था? पानी के अंदर। ठीक उसी तरह से मनुष्यों ने, वैज्ञानिकों ने, मनुष्य की जो ये सभ्यता है, मानव सभ्यता, इसने कई सारे आविष्कार तो किए, कैमरे बनाए, लैपटॉप बनाए, माइक बनाया, मोबाइल बनाए, घर बैठे आप अमेरिका के संदेश को 1 मिनट में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पूरे विश्व की खबर आपको मिल रही है एंड्रॉइड मोबाइल से। कितने बड़े बड़े आविष्कार के मनुष्य ने ऐसी चीजें कर रखी हैं जो समझ के भी बाहर है, एक सामान्य बुद्धि से समझना भी मुश्किल है। लेकिन इतना विकास और इतना आविष्कार और इतनी सभ्यता होने के बाद भी एक छोटा सा वायरस मनुष्य के जीवन में कितना तबाही मचा सकता है, कितना तुच्छ है मनुष्य अपने सारे आविष्कारों के बावजूद भी इस प्रकृति के सामने। तो यदि कोई कहे कि मैं ये भगवान होगा नहीं मानता, मैं ये प्रकृति नहीं मानता, मैं प्रकृति के अधीन नहीं रहूंगा, तो आज उससे बोलना चाहिए ठीक है जाओ बाहर खुले सड़क पर घूम के दिखाओ। अब वो इसी प्रकृति के अधीन होकर कमरे में दुबक के कोने में चुपचाप सर बैठा रहेगा, लेकिन फिर भी अहंकारवश बोलता रहेगा मैं ये प्रकृति के अधीन नहीं रहता, मैं नहीं मानता ये भगवान, मैं किसी के अधीन नहीं। आज चाहे वो नास्तिक हो, आस्तिक हो, वैज्ञानिक हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बालक हो, कुछ भी हो, प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य संसार में प्रकृति के अधीन है। और भगवान कहते हैं प्रकृति ऐसा गुणमयी, ये जो प्रकृति है ये मेरी प्रकृति है। तो अगर प्रकृति में इतनी शक्ति है तो आप समझ सकते हैं भगवान में कितनी शक्ति होगी। तो तीन गुणों के अधीन रहने के कारण प्रत्येक जीव इस संसार में प्रकृति के अधीन रहता है,
लेकिन यदि कोई भगवान का नाम जप करता है, भागवत का अध्ययन करता है नियमित रूप से, तो वो प्रकृति के अधीन नहीं रहता, फिर वो कृष्ण के अधीन रहता है। तो ये भागवत कथा के श्रवण के माध्यम से, भगवान का नाम जप करने के माध्यम से, अपने हृदय का शुद्धिकरण करके धीरे धीरे व्यक्ति माया देवी से कृष्ण के अधीनस्थ होता है, बहिरंग शक्ति से अधिरंग शक्ति के अधीन होता है। तो ऐसे समय में गजेंद्र की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम जो कथा सुनेंगे, आज हम सुनेंगे कि ये गजेंद्र था कौन। पहले हम ये जानेंगे कि गजेंद्र था कौन, पिछले जन्म में ये क्या था, और ऐसा इसने क्या किया था जिसकी वजह से ऐसे विकट परिस्थिति में भी उसे भगवान का स्मरण हुआ है। क्योंकि सामान्यतः देखा जाता है कि विकट परिस्थिति में भगवान को भूल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, समस्या में आ जाते हैं। तो विकट परिस्थिति में भी अगर भगवान को याद कर सके तो ऐसा क्या किया था ये गजेंद्र ने जिसकी वजह से उससे यह सुविधा प्राप्त हुई, ताकि हम भी अपने जीवन में वो काम कर सके। ऐसा क्या किया गजेंद्र ने पिछले जन्म में, ताकि हम भी इस जन्म में ऐसा कुछ कर सके, ताकि मृत्यु के समय हमें भी भगवान का स्मरण हो। तो यह समझना बहुत आवश्यक है, इसीलिए ये गजेंद्र की कथा भागवत में दी गई। पूरी गजेंद्र की कथा समाप्त होने के बाद अंत में सुखदेव गोस्वामी ये कथा बताते हैं कि कौन था ये गजेंद्र पिछले जन्म में, और ऐसा क्या किया था इसने जिसकी वजह से इतनी बड़ा सफलता उसे प्राप्त हुई। तो अगर आप इसे एक शीर्षक देना चाहें तो आज की कथा का शीर्षक होगा कि मुसीबत के समय में, जब जीवन में काफी संघर्ष हो, चिंताएं आए, असफलता आए, तो उस समय एक भक्त को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए उस समय भक्त को, जब कोई हमें बुरी भली बातें कह दे, या जो रिजल्ट है हमारी इच्छा के अनुरूप ना आए, या किसी भी तरह की परेशानी चिंता जब आए जो हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं, हमारी इच्छा के विपरीत है, तो विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति क्या करना चाहिए, ये आज की इस गजेंद्र के पूर्व जन्म की कथा से हम सीखेंगे। तो माइक सेटअप और स्पिंजर सेटअप में काफी समय चला गया, हमारे पास आधा घंटा ही बचा है, लेकिन ठीक है, प्रयास करते हैं जितना हम कवर कर सके। तो ये आठवें स्कंद के चौथे अध्याय का दसवां श्लोक है, जहां पर गजेंद्र के पिछले जन्म की कथा आ रही है। मौन व्रत ईश्वरम हरि जटाधरस्तापत आप्लुप्तोच्चितम समर्चयामास कुलाचलाश्रमः। वो कहते हैं क्या, स एकदा आराधन काल आत्मवान। ये जो गजेंद्र था, ये पिछले जन्म में द्रविड़ देश का यानी दक्षिण भारत का एक राजा था जिसका नाम था इंद्रदुम्न पिछले जन्म में। तो ये जो राजा था, ये कह रहा है कि ये भगवान का इतना बड़ा भक्त था, इसने अपना राजकाज सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये चला गया था भगवान की पूजा अर्चना आराधना करने के लिए, भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। वो संसार के मोह माया संसार को छोड़कर वो चला गया था कहां, मलय पर्वत। स एकदा, तो ये जो राजा था एक बार आराधना काल आत्मवान, आराधना में बहुत व्यस्त था, भगवान की पूजा अर्चना आराधना करने में, भगवान के विग्रह की आराधना कर रहा था। आत्मवान, पूरी तरह से आत्मीयता के साथ उसने अपना तन मन धन लगा, पूरी तरह से तल्लीन हो चुका था वो भगवान की आराधना करने में। गृहित मौन व्रत, उसने ग्रहण किया हुआ था क्या, मौन व्रत, कुछ ना बोलने का प्रण लिया था उसने। इस संसार की फालतू की इधर उधर की बातें बोलकर मनुष्य केवल अपने शरीर की ऊर्जा को ही बर्बाद करता है, लेकिन भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान की कथा का गुणगान करें। कल हमने पढ़ा था श्लोक में, अगर जो आए होंगे ऑनलाइन उन्होंने सुना होगा कि जब कोई भागवत कथा का श्रवण या अध्ययन करता है, भगवान की चर्चा करता है, तो उसकी आयु क्षीण नहीं होती, उसकी आयु घटती नहीं। तो इसी तरह से कुलशेखर बताते हैं कि आश्चर्यमेताधि मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ते नामानि नारायण गोचराणि त्यक्त्यान्यवाचा कुहुका पठन्ति। देखो इस संसार में ये कितनी बड़ी अचंभित करने वाली बात है
कि भगवान नारायण के नाम रूपी अमृत को छोड़कर व्यक्ति जानबूझकर विष पान कर रहा है। तो ये विष पान क्या है? ये जो फालतू की चीजें होती हैं संसार में, जैसे व्यक्ति रोज सुबह सुबह उठकर उठते साथ सबसे पहले न्यूज़पेपर खोल के बैठता है। न्यूज़पेपर में क्या पढ़ता है? वो है तो न्यूज, लेकिन कुछ भी न्यू नहीं है उसमें। वो नई बोतल में पुरानी शराब उसके बराबर है। क्यों? उसमें वही भ्रष्टाचार, वही बलात्कार, वही डाइवोर्स, तलाक, वही उसने उसको मार दिया, उसने उसका खून कर दिया, उसको लूट लिया, उसको ये कर दिया, उसके घर में चोरी, उसके घर में ये, उसकी बीवी इसके साथ भाग गई, उसकी पत्नी उसके साथ भाग गई, ये देखो वो देखो। तो केवल नाम बदलता है और स्थान बदलता है, लेकिन समाचार सब जगह केवल यही भरा हुआ होता है कि देखो संसार में कितना दुख है, कितनी परेशानी है, कितनी चिंता है। तो इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो फालतू की बातों से मौन ले लेते हैं, वो व्रत धारण करते हैं कि मैं फालतू की बातें नहीं करूंगा, करूंगा तो केवल ऐसी बातें करूंगा जिससे दूसरों का हित हो, और वो केवल स्वाध्याय करके, भागवत कथा चर्चा करके ही व्यक्ति सीख सकता है, नहीं तो वो फालतू की बातें ही करेगा। भागवत में ऐसे व्यक्ति को एक मेढक के समान चर्चा की गई। मेढक जो है दिन रात सुबह शाम टर 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 करके करता है, और जब वो टर टर कर रहा होता है उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा गा रहा हूं, और इससे जो मेढकी है वो आकर्षित हो जाएगी। लेकिन मेढकी आकर्षित होने की जगह क्या हो जाता है? एक सांप आकर्षित हो जाता है उससे, उसका काल करके चला जाता है। व्यक्ति जीवन भर इधर उधर की फालतू की बातें करते करते उसमें इतना रहता है कि एक समय काल आता है उसे निगल के उसे खत्म कर देता है। इसीलिए चाहिए कि उसका जो बहुमूल्य समय है उसे फालतू की व्यर्थ बातों में ना कर भौतिक बातों से मौन ले ले और केवल आध्यात्मिक, जैसा कि इंद्रदुम्न महाराज ने कर रखा था, गृहीत मौन व्रत ईश्वरम हरि, मौन व्रत धारण करके हरि का, भगवान का वो पूरी तल्लीनता के साथ आराधना कर रहे थे। इसके बाद अगले श्लोक में बता रहे हैं, जटाधरस्तापस आप लुप्तोच्युतम समर्चयाचलाश्रम कुलाचलाश्रम, कुलाचल हो गया मलय पर्वत। पर्वत पर इंद्रदुम्न में महाराज ने अपना एक आश्रम बना रखा और वहां पर जो सुखदेव गोस्वामी है वो लिख रहे हैं कि इंद्रदुम्न महाराज के थे पांच गुण बता रहे हैं यहाँ पे। जटाधरस, वो पूरी तरह से इस संसार की माया से अनासक्त थे, माया किसी भी चीज में उनकी आसक्ति नहीं थी, अनासक्त थे वो। धरस तापस, वो तपस्वी थे, तपस्या करने वाले थे, पूरी तरह से भगवान की सेवा में तल्लीन थे, एब्जॉर्ब थे। अच्युतम, और इधर उधर की फालतू किसी भगवान अच्युत की सेवा में, तो उन्हें पूरी तरह से ज्ञात था कि इस संसार में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो कौन है, वो अच्युत, तो अच्युत की सेवा में लगे थे। जैसे आज कुछ लोगों ने किया, बोल रहे थे प्रभु जी हमारे घर में माता रानी के किताब और बहुत लोगों को मिला है, तो रहा है ऐसा। तो हमने बताया जब आप आता है, इतना नींद आता है व्यक्ति अपना सर खुजलाने लगता है क्या लिखा है, तो खड़के बाल में गिर जाते हैं उस किताबों में, और जब उसको एक साल बाद खुलता है तो बिल बाल बड़ी बात नहीं, सामान्य सी बात है। तो व्यक्ति कई बार इन सब छोटी छोटी घटनाओं को देखकर ये हो या ना हो, शास्त्र हजारों लाखों साल से कह रहा है कि आप भगवान भगवान के लिए भोग बनाओ, उन्हें अर्पण करो, भगवान स्वीकार करते हैं। अब इसके लिए उनको सामने आकर साक्षात देने की जरूरत नहीं है, बस एक तो शास्त्र में कितनी चीजें लिखी हुई उस पर विश्वास नहीं आता है, लेकिन जब किताब से कोई बाल वाल निकल गया तो व्यक्ति सोचने भगवान है। जबकि हमारे विश्वास का जो आधार है, श्रद्धा का आधार है, शास्त्र पर लिखे हुए ये जो ये
श्लोक है उनके आधार पर होना चाहिए, ये अनुभव है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने दिया है उनके आधार पर होना चाहिए। तो इंद्र तुम लोग को भले भांति ज्ञात था कि जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो कौन है, अच्युत है, उनकी सेवा में पूरी तरह से तल्लीन थे, उनकी सेवा में लगे हुए थे, अर्चना में कुलाश्रम आश्रम। अभी देखिए जो सोचने वाली बात है ये, महाराज के पास इतने सारे गुण थे, मौन व्रत रखने की आत्मसंयम था उसके अंदर, अनासक्त थे, पूरी तरह से तल्लीन थे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अर्चना में थे, इतने सारे बड़े गुण होने के बाद भी अगले श्लोक में बताया क्या हुआ। किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो इंद्रदुम्न महाराज कुछ गलत काम नहीं कर रहे थे, भक्ति में व्यस्त थे। तो अगले श्लोक में बताते हैं, यदृच्छया तत्र महाशया मुने समागमक्षिष्य गणेश परिश्रितः तं वीक्ष्य तुष्णिं कृतार्हणादिकं रहस्येन मृषिश्चुकोपः। यदृच्छया, उस समय जब इंद्रदुम्न महाराज पूरी तरह से तल्लीन होकर भगवान के और निहार अर्चना में व्यस्त थे, ठीक उसी समय उनके आश्रम में यद इच्छया, भगवान की इच्छा से एक मेहमान का आगमन हुआ। कौन थे वो अतिथि? उस अतिथि का नाम था अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि अपने कई सारे शिष्यों के साथ ठीक उसी समय आ धमके जब इंद्रदुम्न महाराज भगवान की सेवा अर्चना में, जब इंद्रदुम्न महाराज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हुए ध्यान में तल्लीन थे, तो अगस्त्य मुनि अपने शिष्य मंडली के समेत वहां पधारे। मुनि ने देखा कि राजा इंद्रदुम्न एकांत स्थान में मौन साधे बैठे और उनके स्वागत के शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहा, तो क्रुद्ध हुए। तो जैसे ही अगस्त्य मुनि आए, अगस्त्य मुनि के आने के बावजूद इंद्रदुम्न महाराज इतने तल्लीन थे भगवान, ध्यान नहीं आया, उन्हें ये पता ही नहीं चला कि अगस्त्य मुनि उनके साथ आए हुए। कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति किसी कार्य जाता है कि उसके आसपास क्या हो रही है उसे पता नहीं चलता, और जैसा कि यही बता दिया गया था, इंद्रदुम्न महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, जब पूजा अर्चना में लगते थे तो भूल ही जाते थे आसपास क्या हो रहा है। लेकिन अगस्त्य मुनि इंद्रदुम्न महाराज के प्रसन्न नहीं हुए। उनका कहना था कि मैं आया हूं यहाँ, एक राजा है, इसे पता होना चाहिए कि ऋषि मुनियों करना चाहिए, और अब ये इंद्रदुम्न में मेरा अपमान, और उन्हें इतना अपमानित लगा कि इंद्रदुम्न ने मुझे मुझ पर ध्यान नहीं दिया कि अगस्त्य मुनि ने तुरंत वहां रहते ही रहते इंद्रदुम्न को श्राप दे दिया कि तेरी कुंद बुद्धि के कारण तुझे पता नहीं है क्या करना क्या नहीं, क्या करना चाहिए, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि अगले जन्म में तू हाथी बनेगा। तो हाथियों की बुद्धि कुंद माने जाती है, इसीलिए अगस्त्य मुनि ने हम लोग को यह श्राप दिया। अभी देखिए हमारे जीवन में भी ध्यान देंगे तो ऐसा ही होता है। अभी इंद्रदुम्न महाराज कोई गलत काम कर रहे थे क्या? बिल्कुल नहीं, भगवान की सेवा अर्चना में लगे थे। कोई गलती थी क्या? उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया कि मैं अगस्त्य मुनि को नहीं ध्यान दूंगा? उनकी ईमानदारी में तनिक संदेह नहीं था, लेकिन फिर भी बिना कुछ किए बैठे बिठाए एक मुसीबत आ गया उनके। अब कितनी बार ये हमारे साथ होता है। कल ही शाम को एक हमारे चित परिचित भक्त ने हमको बात की, वो नहीं किया व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप में उसने कहा कि मेरी क्या गलती है, क्यों ये मेरे माता पिता मुझे नहीं समझ रहे हैं, क्यों मेरे माता जी मुझे पीछे पड़ी हुई हैं, क्यों मेरे पिताजी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो जब मैंने सब कुछ उससे सुना तो सुनने के बाद मुझे यही समझ में आया कि व्यक्ति निर्दोष है, बच्चा है, निर्दोष है, मासूम है, लेकिन फिर भी उसके माता पिता समझने को तैयार है। कई बार ऐसा होता है, माँ बाप बच्चे पे इतना प्रभाव डालते हैं, इतना दबाव डालते हैं, तुझे पढ़ना पड़ेगा, तुझे नौकरी लेना पड़ेगा, तुझे ये करना होगा, मेरे लिए तुझे ऐसा करना होगा, बच्चे की इच्छा को साइड कर देते हैं और उसके ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं, बेचारा परेशान हो जाता है।
संवेदनशीलता होनी चाहिए। यहां अगस्त्य मुनि को अहंकार पे लग गया। जब व्यक्ति अहंकारी हो जाता है तो सामने वाले को समझने का प्रयास नहीं करता है, केवल अपने आप को समझाने का प्रयास करता है। लेकिन जब व्यक्ति विनम्र होता है, ऐसे समय में देखिए, जैसे कई बार भी सड़क पे कोई जा रहा है साइकिल लेके, और अचानक से साइड से एक कार ने आया और पीछे से मार दिया। अभी बताइए, इस व्यक्ति का कोई दोष था? कोई भी दोष नहीं था। लेकिन आपका दोष हो या आपका दोष ना हो, जीवन में समस्या आएगी ही आएगी। प्रयास करना चाहिए कि जब समस्या आएगी तो उसको कैसे डील किया जाए, उससे कैसे किस दृष्टि से देखा जाए, किस शक्ति से उसे संभाला जाए। क्योंकि एक बात आप लोगों को अपने दिमाग में गांठ बांध कर रख लेनी चाहिए कि इस संसार में मनुष्य के पास, इस संसार में हमारे पास, इस संसार में प्रत्येक जीव के पास बहुत ही सीमित शक्ति होती है परिस्थिति में परिवर्तन लाने की। लेकिन प्रत्येक में हमारे अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर असीमित शक्तियां होती हैं अपनी चेतना को नियंत्रण करने। परिस्थिति को नियंत्रण नहीं कर सकता व्यक्ति, लेकिन मनस्थिति को जरूर नियंत्रण कर सकता है। अगस्त मुनि को रोका नहीं जा सकता, अगस्त मुनि को पलट के नहीं बोल सकते ये कुछ, अगस्त मुनि को सफाई नहीं दी जा सकती, परिस्थिति को नहीं बदल सकते। लेकिन इंद्रदुम्न महाराज ने एक ऐसा उदाहरण साबित किया अपने स्वभाव से वहां पे कि उनका नाम इस भागवत में आ गया। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति हमेशा सामने वाले को दोष देता है। जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो, जहां पे ज्यादातर व्यक्ति केवल सामने वाले के ऊपर ही दोष देने वाले हो, उस परिस्थिति में भी जब व्यक्ति अपने आप को दोषी ठहराए और जिम्मेदारी ले कि हाँ गलती मुझसे हुई है, तो वैसा व्यक्ति भगवान की दृष्टि में बहुत प्रिय होता है। भले ही यह घटना 5000 वर्ष पूर्व हुई होगी, लेकिन ऐसी परिस्थिति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती। कई लोग आते हैं हमारे पास और सबका यही प्रश्न होता है, मेरी क्या गलती थी, मैंने तो पूरी ईमानदारी से अपना जीवन जिया, लेकिन क्यों मेरे पति मुझसे सहयोग नहीं करते, क्यों मेरी पत्नी मुझसे सहयोग नहीं करते, क्यों मेरे बच्चे मुझसे सहयोग नहीं करते। क्योंकि परिस्थिति सबके साथ वैसे ही, हमको लगता है कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी से भी मिलिए संसार में, पूछिए कैसे हो भाई, क्या बोलेगा वो, बहुत बढ़िया, मजा मच है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई मजा वजा नहीं, सब रो रहे हैं अंदर, सब परेशान है, सब चिंतित है। लेकिन जब फिर भी मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं तो मुस्कुराते हैं, कहते हैं बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन कोई बढ़िया नहीं। इस सब संसार में भगवान ने पहले ही बोल दिया कोई बढ़िया रह ही नहीं सकता। इसीलिए भागवत सत्संग के माध्यम से व्यक्ति सीखता है कि परिस्थिति को किस दृष्टि से देखनी चाहिए। कोई कह सकता है कि मेरे पास सत्संग में आने का समय नहीं है, होता है ये। कई बार हम जब पहले बुलाते थे भक्तों को सत्संग में, नहीं है नहीं है प्रभु जी, समय नहीं है। कहां समय है, रविवार को हमको दुकान खोलना होता है, कैसे हम दुकान बंद करके आए सत्संग में। बिल्कुल सही बात है, आपके पास समय नहीं है। लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आएगी तो उस विपरीत परिस्थिति को किस तरह से डील करना चाहिए, अगर वो आपने नहीं सीखा है तो समय हो या ना हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको असफलता का सामना करना ही पड़ता है। इसीलिए यहां पर इंद्रदुम्न महाराज अपने बहुत ही अच्छे उदाहरण से यहाँ पे साबित कर रहे हैं। इसीलिए देखिए ये श्लोक तो चालू हुआ यद्र इच्छया, यानी कि कई बार भगवान की इच्छा से ऐसी कुछ घटनाएं होती है जीवन में जिसका आपका आपका जिसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे समय में इंद्रदुम्न महाराज ने क्या किया, आगे श्लोक में बताते हैं। अभी ये जो है अगस्त मुनि कह रहे हैं, जब उन्होंने ऐसा देखा उसके शिष्टाचार से प्रसन्न नहीं हुए, क्रुद्ध हो गए, वो क्रोधित होकर अगस्त मुनि कह रहे हैं, तस्मा इमं शापम दाद साधु अयम दुरात्मा कृत बुद्धिरद्य विप्रावमन्ता विशतां तमिस्त्रं यथा गजः स्तब्ध मतिः स एव। कह रहे हैं
जब अगस्त्य मुनि ने राजा को यह श्राप दे डाला, यह राजा इंद्र तुम न तनिक भी भद्र नहीं है, नीच तथा अशिक्षित होने के कारण इसने ब्राह्मण का अपमान किया है, अतएव यह अंधकार प्रदेश में प्रवेश करे और आलसी मूक हाथी का शरीर प्राप्त करे। अगस्त्य मुनि ने ऐसा श्राप दिया। तो अभी देखिए इस श्लोक में अगस्त्य मुनि क्या कह रहे हैं, असाधु किसको कह रहे हैं, वो किसको कह रहे हैं, इंद्रदुम्न महाराज। इंद्रदुम्न को कह रहे हैं अगस्त्य मुनि ये व्यक्ति कैसा है, ये असाधु है। दूसरा दुरात्मा, ये कौन है, दुरात्मा है, नीच व्यक्ति है, अकृत अशिक्षित है, अनएजुकेटेड इलिटरेट असभ्य अशिक्षित, बुद्धिरद्य बुद्धि नहीं है उसकी, बुद्धि वाला व्यक्ति, विप्रावमंता अपराध करने वाला, उसने क्या है एक साधु का। तो देखिए वही इंद्र, तुमने लोग पहले आपने देखा कि सुखदेव गोस्वामी उसमें कई सारे गुण देख रहे हैं उन्होंने, कि उनके अंदर आत्मसंयम है, तल्लीनता है, अनासक्त है, से भगवान की अर्चना में लगे हुए, जानते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, स्वामी गुण देख रहे हैं दूसरे, और अगस्त्य ऋषि उसी व्यक्ति में क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं नीच है, अभद्र है, अशिक्षित है, अपराधी। तो अभी बताइए एक व्यक्ति जो भगवान की सेवा कर रहा है वो क्या बता सकता है, सेंस कंट्रोल है, तल्लीन है या नीच है, अपराधी है, अभद्र है, क्या है, डिपेंड करता है, पूरी तरह से निर्भर करता है कैसी दृष्टि है, किस दृष्टि से देख रहा है। सुखदेव गोस्वामी पूरे सम्मान भक्ति भाव से उसे देख रहे हैं, लेकिन अगस्त्य ऋषि अहंकार की भावना से देख रहे हैं, जिसके कारण उनमें ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से भगवान की सेवा में तल्लीन है उसमें भी दोष दिख रहा है। अभी क्या इंद्रदुम्न महाराज अगस्त्य ऋषि को सकते हैं, नहीं, क्या करते हैं, अब तो उनको श्राप भी मिल गया। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये श्लोक आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस श्लोक के तात्पर्य में जो प्रभुपाद जी ने लिखा वो बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाला है, वो जीवन में सबसे योग्य शिक्षा, सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण, छुपे हुए वो जो महत्वपूर्ण संदेश है उनको छूट जाता है वो हमसे, कई बार नहीं ध्यान देते हैं। तो आज मैं आपको इस तात्पर्य से बताऊंगा कैसे प्रभुपाद के तात्पर्य में बहुत सारे गुण, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो गुण रहस्य को पकड़ नहीं पाएंगे। अगले श्लोक में जहां पे ये बताया गया कि इंद्रदुम्न महाराज ने जब उन्हें ये श्राप मिला तो किस तरह से लिया उन्होंने इस श्राप को, तो बता रहे हैं, श्री शुक उवाच एवं शब्द्वा गतोऽगस्त्यो भगवान् नृपसानुगा इंद्रदुम्नोऽपि राजर्षि दृष्टिं तदुपधारयन् आपन्नः कौञ्जुरीं योनिम् आत्मस्मृति विनाशिनीं हर्यर्चनानुभावेन यद्गजत्वे स्मृतिः। वो कह रहे हैं एवं शप्त्वा गतोऽगस्त्यो, इस तरह से वो अपने अनुगों के साथ, अपने शिष्यों के साथ वहां से चलस्ते मुनि, इंद्रदुम्नोऽपि राजर्षि दृष्टिं तदुपधारयन्। इंद्रदुम्न ने उसके बाद, चूंकि राजा भक्त था अतः उसने अगस्त्य मुनि के श्राप का स्वागत किया, तद उपधारयन, उसने बहुत विनम्रता के साथ उस श्राप का स्वागत किया। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त की यह अद्वितीय स्थिति है, यद्यपि राजा को शाप दिया गया था किंतु उसने इसका स्वागत किया, क्योंकि भक्त सदैव जानता है पहली शिक्षा किस तरह से विकट परिस्थिति को लेनी चाहिए। पहली चीज, भक्त सदैव जानता है, जानता रहता है कि श्री भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। जब भी कोई विकट परिस्थिति आए तो सबसे पहले व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए, ये जो कुछ भी हो रहा है ये किसकी इच्छा के अनुरूप हो रहा है, और अगर भगवान की इच्छा के अनुरूप हो रहा है तो कुछ गलत हो सकता है,
कुछ गलत नहीं हो सकता। तो सबसे पहले यह सोचकर मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए, अपने अंदर धीरज रखना चाहिए। जैसे कि कई बार जब व्यक्ति किसी बीमारी का इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे आ ऊ आ वो तरह तरह के नाटक करता है, क्योंकि उसे बहुत ऐसा उसे लगता है कि बहुत पीड़ा होगी दर्द के आशंका से। लेकिन जो व्यक्ति मैच्योर है, जो बड़ा हो चुका है, व्यस्क है, वो समझता है कि ये सुई मुझे दरकार है, ये मुझे चाहिए, मेरे लिए अच्छा है, इसीलिए वो स्वयं जाकर वहां जो है अपने डॉक्टर के सामने रख देता है कि मुझे लगाओ ये सुई। ठीक उसी तरीके से जो एक वैष्णव है, जो भगवान का भक्त है, अगर भगवान से प्रेम करता है तो भगवान के निर्णय को भी वो बहुत ही विनम्रता के साथ स्वीकार करेगा। तो ये सबसे पहली शिक्षा है इंद्रद्युम्न महाराज ने जो किया। जैसे ही अगस्त मुनि ने श्राप दिया, सबसे पहले क्योंकि भगवान की अर्चना में थे, तुरंत उसने भगवान से जोड़ दिया कि शायद ये भगवान की ही इच्छा है जो मुझे ऐसा श्राप। अगले उसके बाद ध्यान दीजिए, ये पूरा तात्पर्य पढ़ते पढ़ते ये पांच शिक्षाएं मिलेंगी। तो सबसे पहले शिक्षा मिले कि जब भी कोई ऐसी घटना घटे जीवन में, उसे भगवान की कृपा स्वरूप स्वीकार करना चाहिए। यद्यपि राजा का कोई दोष न था, फिर भी अगस्त मुनि ने उसे श्राप दे दिया। और जब ऐसा हो गया तो राजा ने इसे विगत दुष्कर्मों का के कारण हुआ समझा। ये दूसरी शिक्षा, राजा ने इसे कैसे समझा, क्या समझा कि ये जो श्राप मिला है, ये जो विकट परिस्थिति आई है, ये किसके कारण हुई है? विगत दुष्कर्मों, यानी मेरे पिछले जन्मों के पाप कर्म के कारण। हाँ, तो जो दूसरी शिक्षा है जो लेने वाली, वो ये है कि ये जो विकट परिस्थिति आई है, ये मेरे पूर्व जन्म के किसी दुष्कर्म के कारण आई है। जरूर मैंने ही पूर्व जन्म में कुछ गलत काम किए हैं, जिसकी वजह से आज ये परिस्थिति हुई है कि मुझे ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। तो ये शास्त्र में दिए हुए संदेश होते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति समझता है कर्म का सिद्धांत, यानी जो हम करते हैं उसका प्रतिक्रिया हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनकी प्रतिक्रिया हमें तुरंत मिल जाती है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनकी प्रतिक्रिया हमें कुछ महीनों के बाद, कुछ कार्य ऐसे जिनकी प्रतिक्रिया कुछ वर्षों के बाद, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसकी प्रतिक्रिया मृत्यु के बाद मिलती है अगले जन्म। तो लेकिन अगर व्यक्ति ने, जैसे अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा कि कैसे कुछ बलात्कारी थे भारत में, 7 वर्ष के बाद उन्हें फांसी की सजा दी गई। तो 7 वर्ष के बाद जो कुकर्म उन्होंने किया था, उसके 7 वर्ष के बाद उसे सजा मिली। तो अगर इस भौतिक जगत में कुछ कुकर्मों का फल हमें कुछ महीने और साल लग सकते हैं, तो कुछ कर्मों का फल मृत्यु के बाद में मिल सकता है। ठीक उसी तरीके से इंद्रद्युम्न महाराज ने बहुत ही सकारात्मकता के साथ इस विकट परिस्थिति को पिछले जन्म के दुष्कर्म मानते हुए विनम्रता के साथ स्वीकार किया। ये दूसरी शिक्षा है, जब भी कोई आए ऐसी विकट परिस्थिति तो अपने ही विकट दुष्कर्म पे विचार करना चाहिए। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानः, यह भक्त के सोचने का एक व्यवहारिक उदाहरण है। वह जीवन की किसी भी असफलता को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद मानता है। पहले हमने सीखा क्या कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा के अनुरूप हुआ है, लेकिन अब जो भक्त है केवल इच्छा के अनुरूप में नहीं मानता है, उसे क्या मानता है? आशीर्वाद मानता है। जैसे कि एक बार हमने अपने एक भक्त को खूब जोर से फटकार दिया, उसने कुछ गलती की, हमने जोर से फटकार दिया, तो वो तो चला गया, लेकिन हमें बहुत खराब लगा कि उसे इतना नहीं डांटना चाहिए था। तो फिर हमने शाम को उसे अपने रूम में बुलाया और हमने हाथ जोड़कर उसे क्षमा मांगा, मुझे क्षमा करो, क्रोधवश मैंने आपको बहुत कुछ बोल दिया। लेकिन वो भक्त इतना विनम्र था, वो रोने लगा
वो कहने लगा प्रभु जी क्षमा मत मांगिए आप, क्योंकि आप मेरे गुरु के समान है, आपने मेरी भलाई के लिए बताया मुझे, तो अगर आप इस पूरे संसार में कितने लोग हैं जिनको उनका दोष बताकर सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, मैं कितना भाग्यशाली हूं, यह तो आपका आशीर्वाद है कि जो आपने मुझे कान पकड़ कर सही रास्ता दिखाया। तो ऐसी सकारात्मकता व्यक्ति के अंदर होती है। कई बार माता पिता थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं किसी कारण से, तो वे बच्चे जो होते हैं वो सोचने लगते हैं ये सही नहीं था, ये गलत था, ये गलत नहीं था, ये सही था। यहां सही गलत की बात नहीं है, व्यक्ति को सोचना चाहिए कि कितना प्रेम करते हैं मुझसे माता पिता, मुझसे प्रेमवश वो मुझे गलत रास्ते में नहीं जाने देना चाहते। इसीलिए कई बार जैसे छोटा बच्चा जब रूम में सो रहा होता है तो माँ बार बार जाकर देखती है कहीं चादर नीचे तो नहीं उतर गया, कहीं तकिया उसके सर से हट तो नहीं गया, अगर हट गया तो सर उठा के तकिया नीचे घुसा देती है, चादर उसके ऊपर ओढ़ देती है। तो ये सब करने के कारण कई बार बच्चा नींद से उठ जाता है, परेशान हो जाता है, क्या कर रही हो, क्यों परेशान कर रही हो। लेकिन क्या वो माँ उसे परेशान करना चाहती है? बिल्कुल नहीं। तो एक छोटा बच्चा है नाराज हो सकता है, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति जो होगा जिसकी बुद्धि होगी, सूझबूझ होगी, वो समझेगा, प्रेमवश माँ ऐसा करती है। ठीक उसी तरह से माता पिता कभी कभी क्रोधित होकर अगर कुछ बोलते भी हैं तो उसे आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कई बार हो सकता है माता पिता ने हमें गलत समझा और हमें डांट दिया, हमारा कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर हमने जोर से चिल्ला दिया उनके ऊपर और उनके अंदर ये एहसास डाल दिया कि आपके चिल्लाने से मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो अगली बार जब सच में मैं कुछ गलती करूंगा तो भी वो बोलने से कतराएंगे और फिर उस समय मुझे सही रास्ता पे लाने वाला कोई नहीं होगा। एक आदर्श शिष्य, एक आदर्श भक्त का ये लक्षण होता है कि बार से अपने माता पिता के अंदर, अपने गुरु के अंदर ऐसा विश्वास जगाए कि किसी भी परिस्थिति में आप मुझे डांटिए, आप मुझे सही रास्ता दिखाइए, मैं इसका प्रतिकार नहीं करूंगा। ये एक सूझबूझ वाले बुद्धिमान व्यक्ति के की निशानी होती है। तो यहां पे जैसा कि इंद्रदुम्न महाराज ने भगवान के आशीर्वाद स्वरूप इस परिस्थिति को स्वीकार किया, उसके बाद द्रौपदी जी लिखते हैं। तो अभी तक हमने तीन चीजें देखी, भगवान की इच्छा को माना, दूसरा दुर्जनों के दुष्कर्म के हिसाब से देखा, तीसरा भगवान का आशीर्वाद। अतः इन असफलताओं से क्षुब्ध होने के बजाय वह अपनी भक्ति कार्यों में लगा रहता है और श्री कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं तथा भगवत धाम वापस जाने में उसे सक्षम बनाते हैं। यदि भक्त को अपने विगत दुष्कर्मों के फल भोगने ही पड़े तो श्री भगवान उसे इनका नाम मात्र चखाकर, अभी ये चौथा हो गया कि जो आया है ये मेरे पिछले दुष्कर्मों का केवल क्या है, नाम मात्र है, इसको कर रहे हैं, धो रहे हैं, तो इसको कहते हैं शुद्धिकरण। तो इन आपदाओं के माध्यम से भगवान क्या कर रहे हैं, मुझे शुद्धिकरण कर रहे हैं, मुझे बलवान बना रहे हैं। एक बार मैं एक अपने शिक्षा गुरु से मैंने पूछा ये प्रॉब्लम क्यों आता है जीवन में, उन्होंने कितना सटीक जवाब दिया मुझे आज तक याद है, मैं कॉलेज में पढ़ रहा था उस समय सेकेंड ईयर, उन्होंने बोला जीवन में हमेशा याद रखो प्रॉब्लम की परिभाषा क्या है। प्रॉब्लम्स होता है PROBLEMS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पर्पसफुल रोड ब्लॉक ऑफरिंग। आपको समझ में आया, मैं एक बार फिर से बोलता, ध्यान दीजिए, PROBLEMS का ये फुल फॉर्म है, पर्पसफुल रोड ब्लॉक ऑफरिंग बेनिफिशियल लेसंस टू एनहेंस मेंटल स्ट्रेंथ। तो ये भगवान द्वारा भेजे गए कुछ जानबूझ के ऐसी समस्याएं हैं जिसको पार करने के क्रम में आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत बन जाते हैं, इसलिए भगवान आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको शुद्ध करने के लिए कई बार ऐसी समस्याएं आपके जीवन में भेजते हैं। तो ये भगवान की कृपा है, उनका आशीर्वाद है जो ऐसी समस्या आ रही है जिसके कारण से हम मजबूत बनते हैं अपने जीवन में। तो ये पांच, इन पांच दृष्टि से व्यक्ति को अपने जीवन में परिस्थिति को देखना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं अतः मनुष्य को भक्ति में दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि यहां पे देखा गया क्या हुआ,
ऐसी विकट परिस्थिति के बाद भी क्या लिख रहे हैं वो, कि असफलताओं से चुप्त होने के बजाय वह अपने भक्ति कार्य में लगा रहता है। यानी छोटी मोटी असफलता के कारण रुक नहीं जाता है, उसकी सेवा लगी रहती है। तो दो चीजें जो भगवान को बहुत प्रभावित की इस परिस्थिति में इंद्रद्युम्न महाराज के बारे में, जिसके कारण भगवान ने आशीर्वाद दिया ताकि अगले जन्म में वो मेरा स्मरण कर सके मृत्यु के समय में, वो दो चीजें क्या थी? सेवा और सेवक, इन दोनों के प्रति इंद्रद्युम्न महाराज ऐसी विकट परिस्थिति में भी बहुत संवेदनशील थे। क्या थे? संवेदनशील सेवा थे। किसके प्रति? सेवा सेवा और सेवा सेवक के प्रति। सेवा क्या थी उनकी? भगवान की अर्चना करना। उन्हें श्राप मिल गया है कि अगले जन्म में वह हाथी बनेगा, लेकिन फिर भी उसके बाद भी विनम्र भाव से अपनी सेवा उन्होंने कंटिन्यू किया। अभी ऐसा नहीं कि सेवा हुआ छोड़कर हाय हल्ला करने लगे कि भगवान इतना सेवा किया, इतना पूजा किया, इतना नाम जप किया, और बदले में ये क्या मिला? अगले जन्म हाथी? छी, ये नहीं करूंगा मैं। नहीं, सेवा उन्होंने कंटिन्यू किया। और दूसरी जो उसके सबसे बड़े गुण थे वो क्या था? सेवक के प्रति संवेदनशीलता। ये जो अगस्त्य मुनि आए थे, इनके प्रति संवेदनशीलता। उसका प्रतिकार नहीं किया, उनसे लड़ाई नहीं किया, उसके ऊपर दोष दर्शन नहीं किया, विनम्रता के साथ उनके द्वारा दिए गए श्राप को स्वीकार किया। तो आगे वो लिख रहे हैं, इसीलिए इन परिस्थिति से विचलित होकर मनुष्य को भक्ति में दृढ़ रहना चाहिए, उनसे परेशान नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। तो श्री भगवान स्वयं ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी वैकुंठ लोक भेजने की व्यवस्था करेंगे। भक्त को कभी भी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से विक्षुब्ध नहीं होना चाहिए। कभी भी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आए, उससे उसे कभी भी विक्षुब्ध नहीं होना चाहिए, कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। अपितु श्री भगवान पर ही पूरी तरह आश्रित रहकर अपने नियमित कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, कभी रुक नहीं जाना चाहिए विक्षुब्ध होकर। जैसे कुछ थोड़ी सी समस्या आई और सत्संग में आना बंद कर दिया, थोड़ी सी समस्या आई भगवान का नाम जप बंद कर दिया, थोड़ी सी समस्या आई भागवत अध्ययन करना बंद कर दिया, इसका मतलब भक्ति प्रगाढ़ नहीं है, दृढ़ नहीं है, व्यक्ति बहुत विचलित हो जाता है, अंदर से आंतरिक रूप से बहुत कमजोर है। इस श्लोक में उपधारयन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ विचार करते हुए, इंद्रदुम्न महाराज ने विचार करते हुए उसको स्वीकार किया। तो यह सूचित करता है कि भक्त जानता है कि कौन क्या है, वह समझता है कि इस भौतिक बद्ध जीवन में क्या हो रहा है। क्योंकि भक्त यह जानता है, इसलिए विक्षुब्ध करने वाली परिस्थिति में भी वह बहुत दृढ़ रहता है अपनी सेवा के प्रति, बहुत संवेदनशील सा रहता है सेवक के प्रति। और विकट परिस्थिति को देखने के उसके पांच जो लक्षण होते हैं, सबसे पहला भगवान की इच्छा के रूप में देखता है, दूसरा वो पिछले जन्म के दुष्कर्मों के रूप में देखता है, तीसरा भगवान के आशीर्वाद के स्वरूप में देखता है, चौथा वो देखता है कि भगवान ने इसे घटाकर बहुत छोटा कर दिया है मेरे लिए, पांचवा वो देखता है कि ये मेरे शुद्धिकरण के लिए, ये मुझे करण के लिए, ये मुझे अंदर से मजबूत बनाने के लिए, मेरी भलाई के लिए। इसी के साथ आज हमने 15 मिनट एक्सटेंड कर दिया क्योंकि कथा थोड़ी देर से आरंभ हुई थी। हमें आशा करते हैं कि आप लोगों ने कुछ सुना होगा, समझा होगा, आपको लाभ हुआ होगा। तो आज हमने अध्ययन किया कि किस तरह से इंद्रदुन महाराज को अगले जन्म में गजेंद्र का शरीर मिलेगा। तो अब कल हम चर्चा करेंगे ये गजेंद्र जो था उसका उद्धार कैसे हुआ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी ऑनलाइन आए। आज थोड़ा समस्या हुआ है आवाज में या स्क्रीन में, थोड़ा सेटअप आज नया किया गया है, हर रोज हम इम्प्रूव कर रहे हैं। तो कल से आपको ये कथा बहुत अच्छे से सुनने को मिलेगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी आप सब शाम को 6 बजे उपस्थित होइए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।